और अभी इंटरनेशनल ब्रांड्स वाले भी आजकल हमारे पास काफी आ रहे हैं और हम लोग उनको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। अभी यहाँ की एसोसिएशन, यहाँ के लोग हम लोगों को भी बोले हैं कि यहाँ पे इम्पोर्ट कपड़ा हो क्या आ रहा है, तो उससे यहाँ की लेबर, यहाँ की इंडस्ट्री में थोड़ा सा इफेक्ट आया हुआ। जैसे धागा बनता है, जैसे ये कलर है, हमने केमिकल चेन तोड़ी, इसमें से कलर अलग किया, फिर उसमें जो केमिकल से बना हुआ होता है, जैसे PTA है, MEG है, स्पिन फिनिश ऑयल है, उसको फिर केमिकल चेन तोड़ तोड़ के फिर हमने उसको अलग अलग कर दिया, उसको अलग अलग करने के बाद फिर हमने उसका धागा बना दिया। सो एग्जीबिशन दे विच पहुंच चुके हैं फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड कोल, असी आए हुए हैं अज ते साडे नाल इत्थे ओनर भी मौजूद ने, आपां उहनां नाल भी गल करांगे कि उहनां दा इस एग्जीबिशन दे विच की डिफरेंट कॉन्सैप्ट है। सो गलबात कर लैंदे आ रिसाइकलिंग बारे, सुनिया सी काफ़ी कुछ अच्छा इस बार इत्थे कॉन्सैप्ट आया होया है, ते साडे नाल सर मौजूद ने, आपां गलबात कर लैंदे आ। सति श्री अकाल सर, पहले जी नमस्ते जी, सति श्री अकाल जी। सर तुहाडे हिसाब नाल रिसाइकलिंग की है? ऐसा है कि अभी हम लोगों ने एक केमिकल रिसाइकलिंग का कंसेप्ट डेवलप किया है, जो हिंदुस्तान में हमने पहली बार किया है। जैसे एक कपड़ा होता है, कपड़े में से हमने डिफरेंट केमिकल चेन में से तोड़ के उसके अलग अलग किए हैं, जैसे धागा बनता है, जैसे ये कलर है, हमने केमिकल चेन तोड़ी, इसमें से कलर अलग किया, फिर उसमें जो केमिकल से बना हुआ होता है, जैसे PTA है, MEG है, स्पिन फिनिश ऑयल है, उसको फिर केमिकल चेन तोड़ तोड़ के फिर हमने उसको अलग अलग कर दिया, उसको अलग अलग करने के बाद फिर हमने उसका धागा बना दिया। तो क्या है कि जैसे अभी WTO WHO इन लोगों का प्रेशर आया कि अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर हम ये पुराना कपड़ा ये सब गाड़े जा रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया ऐसे अर्थ पोल्यूशन हो जाएगा, तो लैंड पोल्यूशन हो जाएगा। तो लैंड पोल्यूशन इसकी वजह से क्या होगा, ये 100 साल 200 साल 500 साल तक ज़मीन में पड़ा रहता है, ये ख़राब नहीं होगा, गलेगा नहीं। तो अभी जैसे उन्होंने बोला कि अच्छे ब्रांड वालों को रिसाइकिल करके आप धागे को रिसाइकिल करो, कपड़े को रिसाइकिल करो, पुराने कपड़े इकट्ठे करो, उसको रिसाइकिल करो और उसके साथ आप इसको दोबारा प्रोडक्ट बनाइए, उसमें हमें बहुत सक्सेस मिली है और अभी इंटरनेशनल ब्रांड्स वाले भी आजकल हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं और हम लोग उनको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। ओके सर, मैं पूछना चाहूँगी कॉन्फ्रेंस जो हुई, जैसे आपने बताया WTO एंड WHO की, उसके बाद ही आपको ये आइडिया आएगा या फिर उससे पहले भी आपको? हम लोग काफ़ी पिछले 3-4-5 साल से डेवलप कर रहे थे, हम लोगों के साइंटिस्ट, हमारे यहाँ के डॉक्टर लोग, हमारी मैनेजमेंट, ये सब लोग लगे हुए थे और हमने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इसमें और ये कंसेप्ट तो काफ़ी सालों से चल रहा था, अभी तो थोड़ा सा उनका प्रेशर बढ़ गया तो, लेकिन ये है कि बेसिकली हमें सक्सेस मिल गई, जो अचीव करना था वो हमने कर लिया। सो इस एग्जीबिशन में आने का कोई खास मोटिव या फिर आप फर्स्ट टाइम आए हो, कैसे आए? नहीं, हम लोग यहाँ पे, हमारा बहुत बल्क प्रोडक्शन है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में लुधियाना में मटेरियल आ रहा है हमारा। हम 5 साल पहले भी आए थे इधर एग्जीबिशन में, अब 5 साल के बाद आए हैं और लुधियाना में अभी एक थोड़ा सा प्रोसेस चल रही है कि यहाँ पे इम्पोर्ट होके फैब्रिक बहुत आया है, तो अभी यहाँ की एसोसिएशन, यहाँ के लोग हम लोगों को भी बोले हैं कि यहाँ पे इम्पोर्ट कपड़ा हो क्या आ रहा है, तो उससे यहाँ की लेबर, यहाँ की इंडस्ट्री में थोड़ा सा इफेक्ट आया हुआ। ओके, सो रिस्पांस, अगर मैं फेयर की बात करूँ तो फेयर का रिस्पांस कैसा है? फेयर का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, फेयर के रिस्पांस में कुछ कमी नहीं है, अच्छा है। कल भी हमारे पास 60-70 कस्टमर आए हैं, परसों भी 70-80 कस्टमर दिए हैं और अभी भी सुबह से कस्टमर्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें वैसे लुधियाना की, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है? अगर हम वैसे लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में जो इम्पोर्ट होके कपड़ा आया है वो बहुत ज़्यादा यहाँ की मार्केट को अफेक्ट कर रहा है और हम आपके माध्यम से भी ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे हमारे सीनियर अथॉरिटीज़ को, ये सबको, कि अगर कपड़ा इतना ज़्यादा इम्पोर्ट होके आएगा तो इंडस्ट्री में, यहाँ हमारी इंडस्ट्री के साथ लेबर भी जुड़ी हुई होती है, आज रिक्शा वाला, ठेले वाला जो डब्बे इधर से उधर लेके जाता है, वो जो डाइंग वाले हैं, बहुत सारी इसके साथ अटैच वो है, आप देखेंगे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक्स वाले हैं, ये सब है, सारे के सारे इससे लिंक है। तो डायरेक्ट
एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, अनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, तो वो दोनों लोग इस टाइम पे जो है अफेक्टेड है। मैं आपकी बात समझ गई हूँ सर। बाकी अगर मैं रिसाइकलिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपका मोटिव है कि अगर आप रिसाइकल करोगे तो ऑब्वियसली हमारे देश का फायदा होगा और पोल्यूशन कम होगा। सो एक बार आप कोई जैसे आप मेरे को थ्रेड्स वगैरह दिखा दीजिए। देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं जो हमने पुराने कपड़े लिए हैं, ये पुराने कपड़े हैं, ये फैब्रिक्स हैं पुराने, इनमें से इन कपड़ों में से हमने सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग किए हैं। ये सारे पुराने कपड़े हैं जिनको अलग अलग करके हम लोगों ने ये देखिए, इसके बाद हम लोग इस टाइप का हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये अलग अलग हो गए, इसमें पीटी अलग हो गया, इसमें एमईजी अलग हो गया, हमने पॉपकॉर्न टाइप बनाया। अब इसको हम रिसाइकलिंग करके, मतलब इसको फिर एक्सट्रूडर में डाल के, इसको वो स्प्रिंडेड में से निकाल के फिर पीओवाई बनेगा, फिर डीटीवाई यान बनेगा, फिर टेक्सचर यान बनेगा, जो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है, और एज ए जस्ट लाइक एज ए फ्रेश रॉ मटेरियल, मतलब फ्रेश धागे में, और उसके धागे में कोई कमी नहीं आती।